चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हैप्पी एनिवर्सरी वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे। अभी आपने स्टेटस वीडियो प्रीव्यू ही देखा ही होगा, इसी तरह का हैप्पी एनिवर्सरी स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और फिर आपको प्रोजेक्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा हैप्पी एनिवर्सरी ग्रुप, तो इस ग्रुप वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। फिर आपको एक ग्रुप को ओपन करना है, फिर एडिट ग्रुप पर जाना है, बाद में प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है। यहाँ से आपको अपना फ़ोटो लेना है, जिस भी फ़ोटो पर आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो वो फ़ोटो यहाँ से आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है, फिर आपको मूव एंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ़ोटो को इधर ले लेना है। जहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर आपको फ़ोटो को रख देना है। फिर आपको यहाँ पर दबा के रखना और इसके स्टेप के नीचे फ़ोटो को ऐड कर देना है इसी तरह। फिर आपको यहाँ से बैक आना है और दूसरे वाले ग्रुप पर क्लिक करना है, फिर एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से आपको दूसरे वाला फ़ोटो ले लेना है और इसको भी इस बैकग्राउंड के ऊपर ले लेना है इस फ़ोटो को। फिर आपको यहाँ पर दबा के रखना और इस शेप के नीचे ऐड कर देना है फ़ोटो को इसी तरह। फिर आपको यहाँ से बैक जाना है और तीसरे नंबर वाले ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, बाद में प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है। यहाँ से अपना फ़ोटो ऐड कर लेना है और इस फ़ोटो को इधर ले लेना है बैकग्राउंड के ऊपर, फिर इसको भी इसके नीचे ऐड कर देना है इसी तरह। तो दोस्तों, इसी तरह आपको सारे ग्रुप में फ़ोटो ऐड कर लेना है। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहाँ पर मैं सभी फ़ोटो में रील दे देता हूँ। तो फिर अगले ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो आपको ऐड कर लेना है। तो इसी तरह दोस्तों, आपको भी ग्रुप में फ़ोटो ऐड कर लेना है। मैं जल्दी से सभी ग्रुप में फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह आपको सभी फ़ोटो ग्रुप में ऐड कर लेना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है और ऊपर कोने में आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, बाद में आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है फ़ोटो के रूप में, इसको सेव कर देना है। फिर आपको यहाँ से बैक आना है और इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, बाद में आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है। यहाँ से आपको अभी जो डाउनलोड फ़ोटो किया है इसको आपको इसमें ऐड कर लेना है। फिर आपको मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ़ोटो को ऊपर ले लेना है यहाँ पर, और दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस फ़ोटो को घुमा देना है आपको। यहाँ पर आपको 23 डिग्री रख देना है इसको। फिर आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फ़ोटो को जूम इन कर देना है।
थोड़ा और कर देना है इसी तरह। फिर आपको फोटो को इधर बढ़ा लेना आगे, यहाँ पर दो लाइन देख रहे हैं इसके बीच फोटो ऐड होना चाहिए। यहाँ पर फोटो को रख देना इसी तरह और फिर आपको वीडियो के एंड तक जाना और फोटो को वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना इसी तरह। फिर आपको फोटो पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको प्लस वाली एक की लगा देनी है। फिर आपको वीडियो के एंड में जाना है और यहाँ पर एक और की लगा देनी है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना और इसको इधर लेना इस फोटो को इसी तरह, यहाँ तक ले लेना है इसको। तब आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और मीडियम जाना है, यहाँ से आपको फोटो ऐड करना है। और तो पहले ये पीएनजी वाला टेक्स्ट पीएनजी फोटो ऐड कर लेता हूँ। फिर फोटो पर क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोटो को ऊपर ले लेना है यहाँ पर और फोटो को घुमा देना आपको यहाँ पर, इसके हिसाब से आपको फोटो को घुमा देना है और साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है इसी तरह। फिर आपको वापस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और ये वाला फोटो ऐड करना है और इसको इधर ले लेना है यहाँ पर, साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है, इतना रख देना है यहाँ पर ऐड करना है। फिर आपको फोटो पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और इस लाइन को कम कर देना है, 70 रख देना है और इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। फिर आपको आगे आना है, वापस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना और ये वाली आपको पीएनजी फोटो ऐड करनी है और इसको यहाँ पर रखना है। फिर इस पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और इसको भी कम कर देना है और वीडियो को एंड तक बढ़ा लेना है इसको भी इसी तरह। फिर आपको वापस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना है और ये वाला फोटो आपको ऐड कर लेना है और इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर साइज को थोड़ा छोटा रख देना है और इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है। फिर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना और यहाँ से फोटो ऐड करना है जिसका फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए, तो वो फोटो आपको ले लेना है यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ी साइज बढ़ा लेना है और इसको वीडियो के एंड तक फोटो को बढ़ा लेना है। फिर फोटो पर क्लिक करना, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन पर क्लिक करना और इसकी साइज को कम कर देना है, इतना रख देना है। फिर आपको एक और फोटो ऐड करना, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना और यहाँ से मैं दूसरे वाला फोटो ले लेता हूँ ये वाला, और इस फोटो को यहाँ पर रखना है और वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है इसको भी। फिर आपको फोटो पर क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और फोटो को पहले इधर ले लेना है यहाँ तक, यहाँ तक ले लेना। फिर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक प्लस वाले की लगा देनी। फिर आपको 10 सेकंड तक आगे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक और की लगा देनी प्लस वाले। फिर आप फोटो को इधर लेना है, यहाँ तक ले लेना है फोटो को। फिर आपको आगे जाना है और 20 सेकंड पर जाना है और यहाँ पर एक और की लगा देनी, फिर फोटो को इधर लेना है वापस, यहाँ तक ले लेना है और फिर आपको आगे आ जाना है और लास्ट में जाना है और यहाँ पर एक और की लगा देनी प्लस वाले और फोटो को इधर ले लेना है, यहाँ पर 20 में रख देना है इसी तरह। अब आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से एक वीडियो फ्रेम ऐड करनी है तो मैं यहाँ चेक कर देता हूँ। ये वाली वीडियो फ्रेम ऐड कर लेनी, फिर इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है और यहाँ से बैक जाना है। इस वाले प्रोजेक्ट में आपको आ जाना है
फिर आपको यहाँ पर एक दिल की पीएनजी दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। बाद में प्लस का आइकन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। बाद में कॉपी लेयर कर देना है इसको और वीडियो के एंड दूसरे वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फ्रेश लेयर कर देना है इसको। तो दोस्तों हमारा स्टेटस वीडियो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फाइनल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।